Hey guys, what's up? Welcome back to FitMuscleTV. आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन की, लोअर बैक पेन की, लंबर पेन की. जिनको भी ये प्रॉब्लम है प्लीज ये पूरा वीडियो अंत तक देखें और प्रॉब्लम हो जाएगी समाप्त. Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं FitMuscleTV. मेरा नाम है गौरव. बैक पेन से मैं भी गुजर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा डीप प्रॉब्लम ये हो सकती है. एक टाइम तक ऐसा था कि मुझे लगता था कि बैक पेन तो मुझे तो कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. एंड देन एक बार बस हुआ और वो एक्चुअली एक्यूट बैक पेन होता है. अगर आपको बैक पेन 3-4 दिन तक अपने आप ठीक हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 1 महीने तक ठीक हो जाता है. बट अगर आपको 1 महीने या 3 महीने से ऊपर हो गए देन इट इज़ अ एक्यूट बैक पेन. अगर उसको आप इलाज नहीं करेंगे तो वो उम्र भर तक आपको तंग कर सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आप इमीडिएटली उसका हल निकालें. बहुत लोगों को लगता है कि स्क्वाट मारने से, डेडलिफ्ट मारने से लोअर बैक पे इंजरी आ सकती है. मैं बता दूं, अगर आप सही तरीके से प्रॉपर पोस्चर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कम वेट उठाएं जिम में वो चलेगा. बट अगर आप करेक्ट पोस्चर से नहीं उठा रहे, आपको एक ना एक दिन बैक पेन होगा ही होगा. और बताऊंगा कि वर्टिब्राज कैसे अरेंज होती हैं और क्या दिक्कत आ सकती है, स्लिप डिस्क कैसे हो सकती है. तो अगर वो प्रॉब्लम होगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ज़िंदगी में. लेकिन अगर आप करेक्ट फॉर्म से करते हैं, बेझिझक होकर आप लिफ्टिंग करिए, कितना भी हैवी उठा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको. मैंने देखा अपने जिम में कि बहुत लोग जब डेडलिफ्ट भी मारते हैं उनका बैक इतना ज़्यादा राउंड होता है कि मुझे देख के अपनी बैक में दर्द होता है. एंड आई एम श्योर जो यंग लड़के हैं उनको अभी दिक्कत नहीं हो रही, वो उठा रहे हैं उस इनकरेक्ट फॉर्म से. बट एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको प्रॉब्लम होगी बैक पेन. अगर आप, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दूँ कि बैक बोन कैसे अरेंज होती है. सो वर्टिब्राज होते हैं हमारी बैक बोन में, 24 वर्टिब्राज होते हैं जो कि एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं और बीच से ऐसे वो खोखले होते हैं और बीच में से उनमें से स्पाइनल कॉर्ड रन होती है. आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन भी देते हैं. जो हमारे नीचे के 5 वर्टिब्रा होते हैं L1 से लेके L5, L1, L2, L3, L4, L5, उनको हम बोलते हैं लंबार. सो वो लोअर बैक को डिफाइन करते हैं. सो वर्टिब्रास की कैटेगरीज भी होती है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. उसके नीचे भी टेल बोन होती है, उसमें भी नहीं जाऊँगा. ये वीडियो सिर्फ लंबार रीजन पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. मैक्सिमम जो आपको बैक पेन होता है, जो आपकी बैक पे स्ट्रेस आता है, वो मैक्सिमम L4, L5 की अलाइनमेंट खराब हो जाने से आता है. सो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मुझे किस टाइप से बैक पेन होता था. मुझे ज़िंदगी में कभी बैक पेन नहीं हुआ. एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह उठा और ये मेरी ही गलती थी. जब मैंने हमेशा देखा था कि जब मैं होटल्स में जाता हूँ लेवर पे और मैं बहुत सॉफ्ट वाले बेड्स पे सोता हूँ, तो सुबह मैं उठता था तो मेरी कमर हमेशा अकड़ी हुई रहती थी. तो वो एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं कि आजकल एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेडिंग का चलन आ गया. अगर आप देखिए हमारे पुराने कल्चर में लोग खाट पे सोते थे, लोग ज़मीन पे सोते थे, चारपाई पे सोते थे, नीचे गद्दा बिछा के सोते थे. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और आपका गद्दा अगर जितना हार्ड होगा, ये भी नहीं कहना कि लोहे का बनवाइए, बट हाँ जो रुई के नॉर्मल, जैसे आप देखते हैं सड़क के किनारे जो रुई के नॉर्मल गद्दे बनते हैं, हमारे घर में आज भी कानपुर में वैसे ही गद्दे हैं, वो बेस्ट होते हैं आपकी बैक के लिए. तो अगर आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेडिंग में सोते हैं तो आपकी जो बैक का जो कर्व है, जो लंबार में जो कर्व होता है, इट्स अ इनवर्ट कर्व. जैसे बोलते हैं जिम में कि चेस्ट आउट बैक इन. और जब आप बेंच पे भी लेटते हैं तो वो एक गैप आना चाहिए जब बेंच प्रेस मारते हैं कि हाथ निकल जाए नीचे से. दैट इज़ अ कर्व ऑफ द लंबार रीजन, वो इंटैक्ट रहना चाहिए, तभी आपकी बैक स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्चर में रहती है. सुबह उठा मैं, मेरे को हमेशा से पेन रहता था. एंड देन उस पेन में आके मैंने जाके जिम में टी बार मार ली. हल्की सी बैक मेरी अकड़ी हुई थी, सर्दियों का मौसम था और वो टक से आई कुड फील ये काम खराब हो गया. एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको जिम में अगर कोई भी इंजरी होती है ना, सो बेस्ट थिंग टू डू इज योर बॉडी विल हील इटसेल्फ. कैसे? फिजियोथेरेपी. आई एम अ बिग बिलीवर इन फिजियोथेरेपी. जिम में अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, जस्ट डू फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इज नथिंग, वो आपके इलेक्ट्रोड्स एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन भेजते हैं. वहाँ की जो मसल्स होती है, लिगामेंट्स होते हैं, दे वाइब्रेट और उससे क्या होता है, बॉडी वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है. सो जैसे ही फ्रेश ब्लड आपकी मसल्स और लिगामेंट्स में जाएगा, वो फ्रेश ऑक्सीजन लेके जाएगा, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा. जो वहाँ पे जो ब्लड फंसा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, उससे गंदा ब्लड निकलेगा और अपने आप रिपेयर वर्क चालू हो जाएगा. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है आजकल, जो मैंने देखा है कि लोगों का सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और ऑफिस चेयर्स का जो पोस्चर है बहुत ही ख़राब है, उसके ऊपर से हमारा भी पोस्चर ख़राब है. हम जब काम करते हैं ऐसे लैपटॉप में आगे झुक के काम करते हैं, पीछे हो जाते हैं काम करते हैं और बहुत ही ख़राब पोस्चर है. सो गाइस, जो वर्टिब्राज जो लगे होते हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है. कभी कभी क्या होता है कि हम जब गलत पोजीशन में बैठते हैं, हम जैसे हमारा जो बैक का कर्व है लंबार का अंदर की ओर, जो इनवर्ट कर्व होता है, वो अगर मेंटेन नहीं होता तो
तो उन डिस्क पे जो लंब जो वर्टिब्रास के बीच में उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से वो डिस्क रप्चर हो जाती है और हमारा जो पोस्चर भी ठीक नहीं है बैठने का, उसकी वजह से उस डिस्क पे निरंतर प्रेशर पड़ता रहता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और वो तकलीफ़ अगर आपकी डिस्क अगर आप रिकवर नहीं करेंगे उस डिस्क को, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो वो डिस्क अंदर स्पाइन में भी चुभ सकती है और वो स्पाइन आपका दर्द ग्लूट्स में भेज सकता है, पैरों में भेज सकता है, ऊपर भेज सकता है, बिकॉज वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो जो नर्व्स है, पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। इसका जो मैं चाहूँगा सबसे पहला काम, अब मैं बात करता हूँ इलाज की, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपने गद्दे चेंज करने हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेडिंग है, अगर आपको सुबह उठ के लगता है कि मेरी कमर अकड़ी हुई है, तो वो गद्दे आपके लिए ठीक नहीं है। मेरे जो बेडरूम में गद्दे थे, जो कि उस कमरे में अभी गद्दे पड़े हैं, उसमें मेरे को बैठ के लेट के फील हमेशा होता है। सो आई हैव चेंज, उसके ऊपर मैंने कभी हार्ड मैट्रेस डलवा दिया एंड आई फील मच मच बेटर। नंबर दो काम आपने करना है, आपने सुबह उठते ही वज्रासन करना है। वज्रासन योगा का एक आसन है। वज्र मतलब आप देखा होगा महाभारत में बोलते थे कि भीम की वज्र जैसी बॉडी है, तो वज्र वहीं से आया है, वज्र और आसन। तो वो ऐसा आसन है जो कि आपकी पूरी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। प्लस पॉइंट ये भी है कि वो आसन से आपका डाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो जो फिटनेस में लोग हैं वो अगर उसको करेंगे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, मोस्टली योगा के सारे आसन खाली पेट ही किए जाते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज। वज्रासन में अगर आप बैठेंगे, आपका जो है शोल्डर ब्लेड्स अंदर, चेस्ट बाहर, और जो मैं कह रहा था लंबार L1 से L5 का जो इनवर्ड कर्व है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। पैरों के पीछे अगर आप देखेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर आएगा। शुरू में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस आसन को, तो आप हो सकता है बहुत जल्दी थक जाएं, लेकिन ये आसन आपकी बैक के नेचुरल कर्व को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और जो आपके वर्टेब्रास के बीच में जो कॉर्ड्स हैं, जो डिस्क हैं, उसके अंदर का प्रेशर बहुत ही अच्छे से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए अगर आप वो आसन करेंगे सुबह उठते ही, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। तीसरा काम जो मैं चाहता हूँ आप करें, जिस भी कुर्सी पे आप बैठ के मैक्सिमम टाइम बिताते हैं अपने दिन में, अगर वो आपकी घर की कुर्सी है, अगर वो आपकी ऑफिस की कुर्सी है, उसमें एक लंबार सपोर्ट प्लीज़ ट्राई करें। ये जहाँ मैं बैठा हूँ आपने देखा होगा, यहाँ मैं अक्सर बैठ के अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, दिस इज़ माई वीडियो मेकिंग एरिया फॉर दिस चैनल। तो ये जो पीछे कुर्सी रखी मेरी, ये देखेंगे आप, इस पे भी मैंने अपना एक लंबार लगा रखा है, लंबार सपोर्ट, बिकॉज दिस इज़ माई टेबल। यहाँ बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ, यहाँ मेरा लैपटॉप रखा रहता है एंड मोस्टली सारा काम मैं, अगर मैं छुट्टी पे हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं इस चेयर पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बिता देता हूँ। और जब से मैंने अपना जो दूसरा चैनल है फ्लाइंग बीस्ट वो स्टार्ट किया था, उसके बाद से मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी, बिकॉज जो मैं एडिटिंग था अपने ऑफिस में करता था, वहाँ पे जो ऑफिस चेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसमें बैठ के मैंने अपनी बैक की वाट लगा ली है, बट दिस पोजीशन इज़ मच मच कम्फर्टेबल। तो ये अगर कुर्सी अगर आपको दिखाऊं मैं, इसमें नीचे ये देखिए कुर्सी है, इसमें मैंने लंबार सपोर्ट लगा रखा है और ये मैं कम से कम अब यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तकरीबन 8 महीने लमसम, शायद ज़्यादा भी 8 महीने, बट मिनिमम मेरे को हो गए ये लंबार सपोर्ट यूज़ करते हुए। इसमें जो आपने बैठना है, तो जो आपकी हिप है आपको पूरा सीट के पीछे तक पुश करके बैठना है और जो लंबार सपोर्ट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। सो गाइज, अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो लोग हैं कि इतना पेन नहीं है, बट हाँ फिर भी आप अच्छे पोस्चर में बैठना चाहते हैं, सिंपल तरीका भी आपको देता हूँ मैं। आप क्या करिए, पतला सा तौलिया रोल कर लीजिए, उसको अपने L1 से L5 का जो इनवर्ट कर्व होता है वहाँ पे लगा लीजिए। तौलिए की थिकनेस कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट बैठते समय हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आप सीधा बैठें, आगे क्राउच होकर ना बैठे, कंधे झुका के ना बैठे, हमेशा सीधा बैठे। जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, आपके हाथ शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड और आपका जो स्क्रीन है आपके आई लेवल पे आना चाहिए, या नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर उससे नेक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस, ये लंबर सपोर्ट मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है अपने लोअर बैक पेन में। लंबर सपोर्ट आप खरीद सकते हैं, ये जो लंबर सपोर्ट, एक चीज़ और कि बहुत सारी कंपनियों के लंबर सपोर्ट आते हैं बट वो साइंटिफिकली बिल्ट नहीं होते, वो बस क्योंकि उनको एक कुशन बेचना है तो कुशन में अंदर कुछ भी कर्व लगा के वो बेचते रहते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये है फोवेरा कंपनी का। ये कंपनी जो है मेरे मित्र की है, जो कि IIT के ही पास आउट है, उन्होंने रिसर्च की थी इस पे, उनका स्पेशलाइजेशन था इसमें, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडियन, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है वो बाहर की कंपनीज हैं, तो इंडियन बॉडीज़ को उन्होंने स्पेसिफिकली उनके लिए जो थोड़े माइन्यूट चेंजेस होते हैं, हमारी हाइट उतनी नहीं होती, हमारा स्ट्रक्चर उतना नहीं होता, हमारे टॉर्सो की लेंथ थोड़ी कम होती है बाहर के लोगों से इन जनरल, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किया है। एंड उनकी कंपनी है फोवेरा, उन्होंने मुझे कहा था कि यूज़ करो, पिछले 8-10 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ,
बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे। अगर आपको ये ख़रीदना है सो यू कैन गो ऑन अमेज़ॉन, आप फोवेरा टाइप कर सकते हैं, फोवेरा लंबार कुशन, आपको मिल जाएगा ये। एंड ऑल्सो ही इज़ गिविंग अ फुल मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आई थिंक 60 दिनों का है जो है, आप उसको वापस भेजिए, फुल आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप बहुत ही आलसी हैं, आप अमेज़ॉन पे नहीं जाना चाहते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। नहीं परचेज़ करना चाहते तो आप वो तकिया रोल, तौलिया रोल करके भी अपना काम फ़िलहाल चला सकते हैं। बट प्लीज़ बैक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये मर जैसा है, अगर डेवलप हो गया, आपने कुछ नहीं किया, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही चला जाएगा। एक चीज़ और, जो लोग जिम भी करते हैं, बैक डे और लेग डे के बाद हमेशा बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिकॉज जो स्पाइन के ऊपर लोड पड़ता है, अगर आप 200 किलो की स्क्वाट मार रहे हैं, तो वो बैक बोन के थ्रू ट्रैवल होके ही पैर में जा रहा है और वहाँ से ग्राउंड जा रहा है, तो जो आपके वर्टिब्रास के बीच की जो डिस्क हैं उनका प्रेशर थोड़ा रिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ स्ट्रेचिंग ज़रूर करें वर्कआउट्स के बाद। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, और जिसके साथ बैक पेन है उसके साथ ये शेयर करिए वीडियो। और हाँ, ये जो लंबर सपोर्ट है ये किसी भी एज ग्रुप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए और मर्दानों के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।